اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يمد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم اللمل فسوف يعلمون नहमदल आला अला कर करीम अम्माबाद नाजरीन क़ुरान मजीद के चौदहवें जज्व पर इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं इस जज़् का दर्स पेश नज़र है हजब मामूल इंशाअल्लाह हम जज़् के मजामी पर एक नज़र डालेंगे इस्लाम के बुनियादी अकायद में रिसालत एक अहम बुनियाद है हम इस पर तफसील से आगे किसी जुज् में गुफ्तू करेंगे इस जुज़ की शुरुआत इससे होती है कि जिन लोगों ने रसूल अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया वो कयामत के दिन पछताएंगे। दुनिया में तो वो रसूल से बेजा मुतालबात करते थे आपको नाज़ेबा अलकाब से याद करते थे कि आप नौजबिल्ल मजनून हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि ये किताब अल्लाह ताला ने आप पर नाजिल की है और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ले रखा है रसूल की बातें बाज लोगों के लिए सीख बनकर दिलों में चुभती है उन्हें कैसी ही नशानियाँ क्यों ना दिखा दी जाएं, वो कहेंगे ये जादू है रसूल जो दावत तुम्हें दे रहा है उसकी सदाकत के लिए कायनात में चारों तरफ नशानियाँ जो बिखरी हुई हैं अगर तुम और फिक्र करना चाहो तो वह काफ़ी है इसके बाद दूसरा मजमून है इस जुज़ में वो है बिबेर अफ़ शैतान लोगों को ये याद नहीं कि उनकी पैदाइश के वक्त क्या वाक़ हुए थे उन्हें क़ुरान ने याद दिलाया कि शैतान ने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार किया और कहा था कि मैं क़्यामत तक आदम की औलाद को गुमराह करूँगा और दुनियावी ज़िंदगी को उनके सामने खुशनुमा बनाकर पेश करता रहूँगा मगर अल्लाह तला ने कहा कि उसके नेक बंदों को वह अगवा नहीं कर सकता मुख्तल कौमों के लोगों को उसने गुमराह किया और उनकी गुमराही दूर करने के लिए दर पर अल्लाह ताला ने रसूल भेजे फिर उसके बाद इस जुज का शानदार मजमून है वो है इनविटेशन टू तो थिंक द साइंस ऑफ गॉड अराउंड देम यानी इस जुज के बड़े हिस्से में उन्हें दावत दी गई कि वो अल्लाह ताली की बेशुम नशानियाँ जो उनके आस पास बिखरी हुई हैं उन पर गौर करें तो रिसालत की बात और उसकी सच्चाई उन्हें समझ में आ जाएगी कुरान कायनात की बेशुमार नशानियाँ दिखाता है और एक साइंसी तर्ज इससे दलाल इख्तियार करता है आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे अल्लाह तज़ में जो नेमतें गिनवाई उनमें से कुछ इस तरह से हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान ज़मीन को पैदा किया इंसान को नुतफे से बनाया चौपाए उनके लिए पैदा किए जिनके ऊन और गोश्त से लोग इस्ता करते हैं और बोझ उनकी पीठों पर लाद कर ले जाने के लिए कुछ जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है आसमान से वही पानी बरसाता है उसमें पीने का सामान भी है और दरख्तों की हयात भी उसमें मौजूद है वो किस्म के बागात और खेती उगाता है दिन और रात को उसी ने तुम्हारे लिए मुसखर कर रखा है सूरज और चांद को एक हिसाब का पाबंद बनाया है उसी ने समंदर को इंसानों के लिए मुसखर किया और उसमें इंसानों के लिए खाने के लिए तरोताज़ा गोश्त मुहैया किया ज़मीन को उसी ने बिछाया उसमें रास्ते भी निकाले और नहरें भी निकाली आसमान को तारों से मुजन किया लोगो तुम अल्लाह की नमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते तुम जिन हस्तियों को पुकारते हो उन्होंने कुछ भी इनमें से पैदा नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला है जो उनको पैदा करता है अल्लाह एक है वह अकेला है तुम्हें जो नेमत मिलती है वो उसकी तरफ से मिलती है जब तुम्हें तकलीफ़ पहुंचती है तो बताओ गिड़गिड़ाते हुए तुम किसकी तरफ लौटते हो उसी ने आसमान से पानी बरसाया जिससे मुर्दा ज़मीन सर सब्ज शादाब हो जाती है जानवरों में बड़ी निशानियाँ उनके पेट में गोबर और खून के बीच में से तुम्हारे लिए एक लजीज मशरूब यानी दूध पैदा करता है उसने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर और बहुत से फल पैदा किए जिसकी शरबत तुम पीते हो उसी ने शहद की मक्खी को वही की कि कैसे उसका घर बनाया जाए और कैसे फूलों से रस को चूसा जाए और प्रोसेस करके उससे शहद को कैसे प्रोड्यूस किया जाए शहद में तुम्हारे लिए बड़ी शिफा है वही तुमको पैदा करता है बड़ी उम्र में ले जाता है वही तुमको मौत देता है रिस्क के मामले में बास को बास पर अल्लाह ताला ने फजीलत दी है उसने तुम्हारे जोड़े बनाए तुम्हारे लिए औलाद पोते पोथियाँ नवासे और नवासियाँ बनाई आसमान में जो परिंदे पर फैलाकर उड़ते हैं उन्हें अल्लाह ताला ही थामे हुए उसने तुम्हें घर बनाना सिखाया सफ़र में भी जानवर के चमड़ों से तुम खैमे बनाते हो उसने साया पैदा किया पहाड़ बनाएं और जंगी लिबास तैयार करने का फ़न उसने तुमको सिखाया ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं इनको पाने के बाद अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो रसूल का काम इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो तुम तक ये बातें पहुंचा दे इनकार करने वालों को कयामत के दिन पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी शैतान तुम्हें गुमराह करता है अल्लाह ताली की नेमतों को पाने के बाद जो लोग कुफराने नेमत करते हैं अल्लाह ताली उन्हें खौफ और भूख में मुब्तला कर देता है उसने तमाम हलाल और तैयब खाना तुम्हारे लिए हलाल किया है और तुम्हें खाने की इजाज़त दी है और हराम से रोका है आखिर में बताया गया कि लोगों को रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत अच्छी नसीहत और जिदाल अहसन के साथ नाजरीन ये वो प्यारे मजामीन ही जो हमने इस जज़ के हवाले से आपके सामने पेश किया है अब हम टॉपिक ऑफ़ द डे पर बात करेंगे बहुत इम्पॉटेंट मौजू है आप अपने गैर मुस्लिम साथियों और दोस्तों से बात करते हुए इस पर आप स्ट्रेस कीजिए कि कुरान आम मानों में एक रिलीजियस किताब नहीं है बल्कि उसकी तालीमत साइंटिफिक होती हैं इसलिए आज का मौजू है द साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ दी कुरान कुरान का साइंसी मिजाज हम इंशाल्लाह श्ला नंबर सोलह आयत नंबर दस से चौदह तक तफसील से गुफ्तु करेंगे नाजरीन वैसे हमारे आज के सब्जेक्ट पर गुफ्तु करने के लिए पूरी सूरह नहल मौजूद है और बिल्कुल इस मौजू पर फिट बैठती है मगर इसमें से हम सिर्फ पांच आयतों को लेकर गुफ्तु करेंगे वक्त बचेगा तो एक और आयत आखिर में लेंगे हम इन आयतों को उनके मुक़ाम पर तिलावत करेंगे ये पूरी सूरत अपने मिजाज में साइंटिफिक है क़ुरान के लिटररी स्टाइल्स के माहरीन बताते हैं कि जब भी कुरान में आयतों की शुरुआत होती है वम इन आयात ही से या इन नफिदाली का आयत लौमी या पर आयतों का अख्तितम होता हो या आयतों की शुरुआत होती हो अवला या आयत की शुरुआत होती हो अफलांदरून इस तरह की आयतों के सिलसिले में ये माहरीन बताते हैं कि इसमें अजीम साइंटिफिक हक़ पोशिदा हैं आज हम जिन आयतों पर गुफ्तु करेंगे उनमें ये हिस्सा आप देखेंगे इ नफिदाली गल आयातौमी इतफक करोन इन नालिकल आयात लौम अक़िलिकल आयात लौमी योन इस तरह की आयतों पर जब कोई ग़ौर करता है तो बहुत सी नई मालूम भी उसके सामने आती हैं और साइंसदानों को इतमान होता है कि ये खुदा का कलाम है और बहुत से लोग कुरान मजीद का मताल करके ईमान ले आए मिसाल के तौर पर मौरि बकाए हैं या कीत मोर हैं या इस तरह के और बहुत से लोग हैं मैं आपके सामने मोरि बकाए की किताब दी बाइबल द दी कुरान एंड साइंस से दो पैराग्राफ का मजमून अपनी ज़ुबान में बयान करूँगा वो कहते हैं कि इन साइंसी खयालात को जो कुरान में पाए जाते हैं जब मैंने मुताला शुरू किया तो उसने मुझे बे हैरत में डाल दिया उस वक्त मैंने ये सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी किताब जो तेरह सौ साल पहले मुरतब हुई थी उसमें इतने नौ मज़ामीन बयान किए गए हैं और मेरे लिए ये मुमकिन हो सका कि मैं साइंसी मौजू पर बहुत से बयान ढूँढ निकाल लूँ और वो सारी बातें आज की साइंसी मालूम से मुकम्मल तौर पर हम आहंगे यानी कुरान के बयान में और तहक़ीक़ शुदा साइंसी इनक में कोई टकराव नहीं है उस वक्त इस्लाम पर मेरा कोई अकैदा नहीं था मैंने बस खुले दिमाग से उसका मुताल किया फिर वो कहते हैं कोई भी इंसान जो कुरान का मुताल पहली बार करता है वह हैरत ज़दा रह जाता है जब वो देखता है कि आसमान और ज़मीन की तख्लीफ के बारे में ज़मीन से मुतालिक बास खूसी बातों में हैवानात और नबातात के बारे में इंसान की पैदाइश के बारे में कसरत से आयतें मिलती हैं जबकि बाइबल का मुताला करने वाला महसूस करेगा कि उसमें फाश गलतियां पाई जाती हैं मैंने रुककर कर अपने आप से सवाल किया अगर ये किताब का मुसन्फ़ कोई इंसान होता जिसने सातवीं सदी ईस्वी में बैठकर लिखा हो तो ये कैसे मुमकिन है कि उसकी बातों में बीसवीं सदी के साइंसी से इतनी ज़बरदस्त मुताबिकत पाई जाती हो कुरान में ये सब बातें साइंसी कवानी बयान करने के लिए नहीं हैं बल्कि ये बताने के लिए बुनियादी तौर पर यह सब एक क़दर मुतलक खुदा की पैदा करदा हैं और वो अजीम है इन बातों को मैंने जैसा कि बताया कि कोट नहीं किया बल्कि अपनी ज़बान में मैंने पेश कर दिया ख़वात अजरा फिक्र कैसे किया जाए एक सवाल है इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं मैं इस वक्त आपके सामने दो जवाब पेश करूँगा गौरव फिक्र कैसे किया जाता है उसका एक जवाब डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी ने अपनी किताब इस्लाम और साइंस में बताया है कि उसके चार मरहले हैं वो चार मरहले अभी मैं आपको बताऊंगा पहले ये समझ लें कि साइंस क्या है इस मौजू के तहत उन्होंने जो बातें लिखी हैं उन्हें हु बू कोट करने के बजाय मैं उन्हें अपनी ज़ुबान में आपके सामने पेश करता हूं। वो कहते हैं कि जिस चीज़ को हम साइंस कहते हैं वो दरअसल कायनात का मुताला है क्योंकि कायनात का हिस्सा इंसान भी है इसलिए इंसान का मुताला भी कायनात के मुताले में शामिल है कायनात के अज्जे को हम अपने सेंसेस के ज़रिए मुताला करते हैं यानी हम देखते हैं हम छूते हैं हम चखते हैं हम सूंघते हैं और हम सुनते हैं इस मुशाहिदे के नतीजे में इंसान को कुछ बातें समझ में आती हैं उससे वो एक नतीजा निकालता है फिर मज़ीद गौर और फिक्र करने के बाद उससे जुड़े हुए और मसाइल पर गौर करता है नतीजों की एक नज़्म बंदी करता है यानी वह नतीजों को जमा करता है उसको मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा साइंसदान न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा यानी पहले उसने अब्ज़र्व किया इस बार बार के मुशाहिदे के नतीजे में उसने और फिक्र करना शुरू किया और दरियाफ्त किया कि चीज़ें ऊपर से नीचे क्यों आती हैं चीज़ें गिरती क्यों हैं हम उसे एनालिसिस का मरहला कहते हैं पहले तो उसने अब्ज़र्व किया फिर जहन में सवाल उभरे तो उसने एनालाइज किया फिर मज़ीद गौर फ़िक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़मीन के अंदर एक कशिश पाई जाती है जिसे हम फोर्स ऑफ़ ग्रेविटी कहते हैं इसे हम इनफ्रेंस कहेंगे यानी न्यूटन ने इंफर किया कि ज़मीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी पाई जाती है अब ये जो हकीकत दरियाफ्त हुई इसे हम साइंसी हकीकत कहते हैं इस तरह और बहुत से तजरुबों के नतीजे में इंसानों ने नतज की नजम बंदी की उनमें से एक नतीजा ये भी निकला कि ज़मीन से अगर किसी चीज़ को बाहर निकलना हो तो फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी जितनी है उससे ज़्यादा क़वत लगाने की ज़रूरत है तब कोई चीज़ ऊपर जा सकती है जैसे कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है ये मैंने कॉमन मैन के लैंग्वेज में सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको समझाया है अब उन चार मरहलों को देखते हैं जो डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी बयान करते हैं जिसे साइंटिफिक अप्रोच कहा जाता है मरहला नंबर एक तजुर्बे का है मरहला नंबर दो मुशाहिदे का है मरहला नंबर तीन नतीजा निकालने का है और मरहला नंबर चार मुख्त नतीजों को मुरतब करने का है इस तरह से वो कहते हैं कि ये है साइंटिफिक अप्रोच नाजरीन अब कुरान मजीद की उन आयतों पर गौर करते हैं जिनका इंतखब हमने आज के दर्स के लिए किया है रफ़ीउद्दीन हाशमी के नज़दीक तो चार मरहले हैं इन आयतों में भी चार मरहले हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है पहले तीन मरहलों को समझ लें कुरान उसे तीन नाम देता है पहले मरहले का नाम तफक्कुर देता है यानी वो कायनात में मुशाहिदा करने गौर फिकर करने की दावत देता है दूसरा मरहला है वो अक्ल इस्तेमाल करने का और तीसरा मरहला है नतीजा निकालने का अब पहले मरहले पर आते ही तफक्कुर कैसे किया जाता है कुरान कहता है मनहू शराब मा अलकुमिन शराबू व मिनहु शिमून युम बिदुल बिहरा वू नात इन आयत قرآن कहता है वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है वो उस पानी के जरिए से खेतियाँ उगाता है जैतून खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं यानी पहले उसका मुशाहिदा करने के लिए कहा गया आसमान ज़मीन बारिश फल इन सब पर गौर करने के लिए दावत दी गई और उसे अल्लाह ताला ने कहा इन नविदाली कल आयतौी या तफक् कुरान ने दूसरे मरहले का नाम याकिलून दिया यानी मुशाहिदे के साथ साथ अक्ल का इस्तेमाल किया जाए और कायनात में नज़र आने वाली चीज़ों का वो तज़िया शुरू करे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने जो बात बयान की आज के दर्स की आयतों में उसे आप देख सकते हैं आयत नंबर बारह में कहा व सखर वकुमलार शमसव वमर वजुम मुसखरात बेम्रिजाल आयातौमी या उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को सूरज और चांद को मुसक्र कर रखा है और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसक्र हैं इसमें बहुत सी नशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं यानी कुरान का कहना ये है कि तुम तज़ज़िया क्यों नहीं करते कि दिन और रात के बारी बारी आने को उसने तुम्हारे लिए मुशक्र किया सूरज और चाँद को भी तुम्हारी खिदमत में लगाया और तारे भी तुम्हारे लिए मुशक्र किए तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी के वजूद का इसार इन तमाम चीज़ों पर है इनकी खिदमत के बग़ैर तुम दुनिया में जी नहीं सकते तुम्हें धूप चाहिए रोशनी चाहिए गर्मी चाहिए दिन चाहिए दौड़ धूप के लिए रात चाहिए आराम के लिए तारे चाहिए जिससे तुम रास्ता तलाश कर सकते हो तो तज् यह बताता है कि जमीन और आसमान के दरमियान एक गहरा रिश्ता है इस तजिए के बाद तीसरा मरहला वो है जिसे कुरान या करून कहता है यानी तुम्हारे गौर, फिक्र और मुशाहिदे के बाद तुम तज् करते हो और उस तज् के नतीजे में तुम किसी नतीजे पर पहुंचते हो सूर नहल की आयत नंबर तेरा मुलाहज फरमाएर आल अर्जी मुख्तलि और ये जो बहुत सी रंग बरंग की चीज़ें उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं इनमें से ज़रूर नशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं तुमने देखा कि आसमान से पानी बरसाता है खेतियाँ उगती हैं उन खेतियों के पकने में सूरज चाँद का भी एक रोल है आसमान और ज़मीन सब मिलकर एक यूनिट हैं और ज़मीन से रंग बरंग की चीज़ें जो पैदा होती हैं उन सब में हुस्न, कारीगरी और डिज़ाइन पाया जाता है तो ये नतीजा निकला कि ये सब अपने आप से नहीं हो रहा है या ये भी नतीजा निकला कि इनके पीछे मुख्तलिफ खुदाओं का हाथ नहीं हो सकता इसलिए कि आसमान ज़मीन सूरज चाँद सितारे हवा बारिश पानी सब आपस में इतने मरबूत हैं कि वह अलग अलग हस्तियों के डिज़ाइन नहीं हो सकते लिहाजा इन सब का पैदा करने वाला एक ही खुदा है ये वो नतीजा है जिसे इंसान ने अक्स किया यानी ये वो इंफ्रेंस है जो उसने निकाला इंसान बार बार मुशाहिदे और तजये से ऐसे नतीजे पर पहुँचता है तो उसका दिल अल्लाह ताला के इनाम तो एहसानात से लबरेज हो जाता है और उसका रुआ रुआ, रुआ और रोंगटा रोंगटा खुदा के आगे झुक जाता है जिसके लिए कुरान ने तशक्न का लफ्ज इस्तेमाल किया ये चौथा मरला है तीन साइंटिफिक मरहलों के बाद आदमी जो अमलन खुदा के आगे झुक जाता है कुरान ने कहा वहूल सखर बहरली तक मिनहु लहमन तरिया व तस्तखरी व तरल फुल तब तकुम तस्कर वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसक्र कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताज़ा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चाक करते हुए चलती है ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फ़जल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो ये गोया साइंसी मरहले से गुजरते हुए सबमिशन तक इंसान पहुंचता है खातिन हजरा अब हम इस बहस से जो नतीजा निकाल सकते हैं वो ये है कि कुरान का मिजाज साइंसी है साइंटिफिक टम्परमेंट है कुरान साइंटिफिक एटीट्यूड क्रिएट करता है और उसके चार मरहले हैं अब ये चार मरहले ऊपर जो मैंने बयान किए उससे मुख्तलिफ कुरान की रोशनी में मुरतब कर लीजिए मरहला नंबर एक मुशाह तजरबा और गौर गौरविकर करना नंबर दो है अक़ल का इस्तेमाल करना और उसके ज़रिए से तज् करना नंबर तीन है उस तजिएे की रोशनी में असल नतीजे तक पहुँचना और नसीहत हासिल करना कि ये कायनाना बेखुदा नहीं है और फिर उसके इनाम और एहसाना की कसरत देख कर इंसान का दिल लबरेज़ हो जाना और खुदा के आगे झुक जाना जब एक आदमी आयतों को पढ़ता है तो इन मरहलों से गुजरते हुए वो जब तोहद को पाता है तो वो एक डॉगमा नहीं होता यानि वो कोई ऐसा अकीदा नहीं जिसे हम कह सकते हैं कि अंधा अकीदा है बल्कि ये अकीदा बिल्कुल साइंटिफिक है अब मैं कुरान के साइंसी मिजाज पर इमाम गजाली के ख्याल को पेश करूंगा इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसानी जिस्म को एक ममलिकत समझो इस मुल्क का एक बादशाह है बादशाह का फैसला ही फ़ाइनल फैसला होता है बादशाह को एक लंबे सफ़र पर जाना है और एक दूसरे मुल्क के बादशाह से मुलाकात करनी है वहाँ जाने से कबल वो वहाँ की मालूम जमा करना चाहता है इसके लिए उसके जासूस इंफॉमेशन ले आते हैं और वज़ी के सामने पेश करते हैं वजीर का काम, का, का काम है कि वो इन्फॉर्मेशन का तजिया करे और अपने तासरात और एहसास बादशाह के सामने रख दे। बादशाह का काम है कि वो फ़ाइनल फ़ैसला ले इस ममलिकत में ख्वाहिशा उन गुलामों के मानंद जो खाना ले आते हैं वो जाहिल और नामाक़ूल होते हैं और बादशाह को खाम खा के मशवरे देते हैं अगर बादशाह उनके मशवरों पर अमल करे तो मुल्क का नुकसान होगा इसी तरह गुस्सा मुल्क की पुलिस फोर्स है अगर पुलिस बादशाह को कंट्रोल करने लगे तो मुल्क में फसाद बरपा होगा और अगर बादशाह पुलिस से रास्त मामला करने के बजाय वजीर की तरफ उसे भेज दे और वजीर उनसे निमट ले तो बादशाह पर बोझ नहीं आएगा कायनात में बिखरी नशानियां एक दूसरे मुल्क के बादशाह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे हवा से खमसा जो हमारे फाइव सेंसेस हैं वो जासूस हैं उनका काम यह है कि उस कायनात का मुताला करके इंफॉर्मेशन ले आए इंफॉर्मेशन लेकर आने के बाद गौर व फिक्र करने के लिए वो अकल तक पहुंचा देते हैं अकल इस ममलिकत का वजीर है वो मुशाहदे का जो इन्फॉर्मेशन है जो जासूस के लोग ले आए हैं उनका वो तजिया करेगा अनालिस करेगा और रिपोर्ट मुरतब करेगा रिपोर्ट को बादशाह के सामने पेश कर देगा अब बादशाह का काम है कि उस रिपोर्ट का मुताला करे, जासूस जो इंफॉर्मेशन ले आए हैं वो सही हैं या नहीं वज़ीर ने उन इंफॉर्मेशन से सही नतीजा निकाला है कि नहीं ये देखना बादशाह का काम है अगर मामला सब ठीक है तो बादशाह अपने सफ़र के लिए फ़ैसला लेता है और वो तोहफे ले जाता है जिससे दूसरे मुल्क का बादशाह खुश होता हो और नाराज ना होता हो अगर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है या मिनिस्टर के मुरतब शुदा रिपोर्ट में कोई गलती है तो बादशाह का काम है कि वो उनको क्वेश्चन करे सही इंफॉर्मेशन लाने का मुतालबा करे, उनसे बहस करे और माकूल तजिए का मुतालिबा करे। उस रिपोर्ट को मुरतब होने में ना गुलामों का कोई रोल होना चाहिए और न कोतवाल का अब इस मिसाल की रोशनी में उन आयतों का मताल करें जिससे आज हमने मुंतखब किया तो आपको पता चलेगा कि पहला लफ्ज़ तफक् जो इस्तेमाल हुआ है वो ऑब्जर्वेशन के लिए है और ये हमारे फाइव सेंसेस का काम है फिर आसमान ज़मीन सूरज चाँद सितारे बारिश फल अनाज इन सब के बारे में गौर फिक्र के बाद सही तज् करना अक्ल का काम है इसलिए दूसरे मरहले में कुरान ने लफ्ज़ याखिलून इस्तेमाल किया जब इन बातों से दिल मुतमिन हो जाए तो दिल एक आखिरी फैसला लेगा इसके लिए लफ्ज़ इज्जत करून कहा और बादशाह दूसरे मुल्क के सफर की तैयारी जो करेगा उसके लिए तश्कर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुतिन हजरा अब हम इस जुज़ में सुर नहल से आयत लेते को लेते हैं जिसमें अल्लाह तबरक व ने फलों बिलखसूस खजूर और अंगूर का जिक्र किया है और उसके अंदर जो जूस बनने का प्रोसेस है उसका जिक्र किया है और कहा कि इसमें बड़ी निशानियाँ ही अक़ल से काम लेने वालों के लिए अभी करीब में हम लातूर में एक अंगूर की खेती में गए वहाँ के माली ने हमें तफसील से बताया कि अंगूर बनने का प्रोसेस कैसे होता है अंगूर की बेल के नोट्स होते हैं उन नोट्स पर जा बजा फूलों के गुच्छे लगते हैं यह डिपेंड करता है कि अंगूर की वराइटी क्या है और सीजन क्या है यह फूल के गुच्छे यानी फ्लावर क्लस्टर्स कहां लगते हैं यह भी बहुत अहम है और हर वराइटी के अंगूर के लिए तय है कि ये फूल के गुच्छे दो लगेंगे तीन लगेंगे या चार लगेंगे जहां दो लगने चाहिए वहां अगर तीसरा उभर कर आता है तो माली उसे तोड़ देता है हर गुच्छे में कई सौ फूल लगते हैं बड ब्रेक करने के बाद तकरीबन छः या आठ हफ्तों के बाद फूल लगते हैं यानी बार बार डालियों को बाद जगह से तोड़ा जाता है वहाँ से नए बड्स निकलते हैं और उसी में से फूल के गुच्छे लगते हैं और छः या आठ हफ्तों के बाद ये फूल लगते हैं ये फूलों के खिलने का मौसम एक हफ़्ता या दो हफ्ता या तीन हफ्ते बाकी रहता है फिर उन फूलों में से बेरीज लगना शुरू होते हैं जो पहले बहुत तेजी से बढ़ते हैं फिर स्लो होते हैं फिर तेजी से बढ़ते हैं जिस बाग की निगरानी माली बराबर से करता हो तो वहां फूल और फल रोजाना माली से बात करते हैं और सेहतमंद होते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वह मालिक को बताते हैं बागबान उनकी शक्ल सूरत देखकर उनकी सेहत का अंदाजा लगाता है बीमार हो तो पता चल जाता है कि उसकी जगह कोई और अंगूर का खोशा ले रहा है तो उस खोशे को तोड़ देता है अगर उस पर कीड़ों का अटैक हो रहा हो तो उसे वो दूर करता है अगर उसे पत्ते का साया ना मिला हो तो बागबान दूसरे पत्तों को एडजस्ट करके उसका इंतज़ाम करता है फिर उसने बताया कि सब अंगूर बिल्कुल एक ही साइज़ के होते हैं जिस वक्त हमने दौरा किया उस वक्त अंगूर काफ़ी बड़े हो गए थे मगर उसने बताया कि इनमें अभी जूस के उतरने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ उस वक्त कोई अंगूर खाएगा तो उसकी आवाज़ बैठ जाएगी फिर धीरे धीरे उसमें अंगूर का रस उतरना शुरू होता है जब अंगूर अध कच्चा होता है तो उसमें ग्लूकोज़ ज़्यादा होता है और फ्रुक्टोज कम होता है जब वो तोड़ने के लायक हो जाता है तो ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज दोनों बराबर वन इस टू वन हो जाते हैं फिर जब अंगूर ज़्यादा पक जाता है खाते वक्त तो फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है और ग्लूकोज कम हो जाता है बहरहाल हर अंगूर में जो जूस होता है उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट पानी होता है और ट्वेंटी फाइव परसेंट शक्कर होती है अल्लाह ताला तयत में फरमाया कि इसमें हमने तुम्हारे लिए मीठा रस पैदा किया है उसमें तुम्हारे लिए बेहतरीन रिस्क मौजूद है मगर तुम हो कि उससे नशा आवर चीज़ भी बना लेते हो यानी हमारा काम था कि तुम्हें मीठा रस अंगूर का फराहम कर दें अब तुम अपनी मर्जी से उसका गलत इस्तेमाल करते हो तो उसकी ज़िम्मेदारी तुम पर है ख़वातिन ये एक मिसाल मैंने आखिर में आपके सामने पेश की आप अपने गैर मुस्लिम साथियों को बता सकते हैं कि कुरान का अप्रोच साइंटिफिक है और वो कायनात के मुतालिक बार बार तरगीब देता है खुदा तक पहुँचने का ये रास्ता है और ये मुस्तहकम रास्ता है अल्लाह ताला हमें कायनात पर ग़ौर फिकर करने की तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन